जी हाँ, स्वागत करते हैं एक बार फिर से ELS न्यूज के ताजा व फ्रेश वीडियो के अंतर्गत। जी हाँ दोस्तों, ताजा खबरें, हेडलाइंस, न्यूज, बड़ी खबरों के इस वीडियो में जानेंगे अपन देश भर के समाचार। जी हाँ, पेटीएम की तरफ से भी बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, साथ ही शराब को लेकर भी बड़ा अपडेट है। वही केजरीवाल सरकार ने अब डीजल और पेट्रोल पर बढ़ाया टैक्स, साथ ही विदेशों में फंसे 14,800 भारतीयों को वापस लाने में 64 फ्लाइट भेजेगी सरकार। वही कोरोना को लेकर भी बड़ा अपडेट है की भारत COVID-19 के लिए दवा बनाने में करीब पहुँच चुका है। तो दोस्तों, बात करेंगे इन तमाम बड़े अपडेट्स की इस वीडियो में, तो बने रहेगा हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक और पूरा जरूर देख लेना है। साथ ही दोस्तों, आप ELS न्यूज चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो नीचे लाल बटन दिया उस पर क्लिक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए। अब दोस्तों, बात करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए पहली बड़ी खबर की। जी हां, पेटीएम की चेतावनी, अगर ग्राहकों ने नहीं मानी ये बात तो खाली हो जाएगा उसका अकाउंट। जी हां, देख पा रहे होंगे आप इस बड़े अपडेट को, अगर कोरोना काल में कैशलेस हो चुके हैं और पेटीएम का यूज कर रहे हैं तो बड़ी खबर है आपके लिए। जी हां, पेटीएम यूजर्स के लिए फाउंडर ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि ग्राहकों को पैसे दोगुने करने जैसी फर्जी ऑफर्स अलर्ट रहना चाहिए। जी हां, विजय शेयर ने ट्वीट कर पोस्ट के जरिए ग्राहकों को ऐसे स्कैम में बचने के लिए अपील की है। वहीं ट्विटर पर शर्मा ऑनलाइन फ्रॉड ने शिकार करते हुए यूजर के सवाल का जवाब दे रहे थे। वहीं पोस्ट में शर्मा यूजर्स को एक नए स्कैम के बारे में बताया गया। वहीं पेटीएम यूजर्स को पैसा डबल करने का झांसा दिया जाता है। वहीं पोस्ट में शर्मा ने एक स्क्रीनशॉट भी शेयर किया जो उन्हें इस फ्रॉड का शिकार बनने में किसी यूजर को भेजा था। तो दोस्तों, साफ है कि अगर आप भी इन फर्जी ऑफर्स को बचना चाहते हैं तो जरूर इसका ध्यान रखेगा और किसी के भी झांसे में मत आइएगा। ठीक है, तो चलिए अगला अपडेट देख पा रहे होंगे आप। पंजाब में कल से शुरू होगी शराब की बिक्री, अरविंदर सरकार कराएगी होम डिलीवरी। जी दोस्तों, पंजाब में बुधवार से ही शराब को बिक्री शुरू हो चुकी है। देश भर में कोरोना वायरस को चलते लागू लॉकडाउन की वजह से राज्य में शराब की बिक्री बंद थी। वहीं बताया गया कि शाम 6 बजे तक राज्यों में होम डिलीवरी की जाएगी। जिलों में शराब की होम डिलीवरी की प्रक्रिया स्थानीय प्रशासन तय करेगा। बता दें कि आपको पंजाब में कुल कोरोना के मामले अब तक 1233 पाए गए, जिसमें से 23 की मौत हो चुकी है। वहीं सूत्रों के मिली जानकारी के अनुसार कर्फ्यू में ढील के दौरान सुबह 9 बजे दोपहर 1 बजे तक दुकानें खोलने में परमिशन थी। उनमें से शराब की दुकानों को भी खोलने जाने की परमिशन दी जाएगी और इसके बाद 6 बजे बाद शराब की होम डिलीवरी की व्यवस्था की जा सकती है। और दोस्तों, दरअसल शराब व्यापारियों को सरकार ने होम डिलीवरी की परमिशन मांगी है या फिर सरकार ने दी जाने वाली लाइसेंस फीस में कटौती की मांग की है। इसके मद्देनजर रखते हुए सरकार ने होम डिलीवरी की परमिशन दे सकती है, लेकिन अंतिम फैसला 7 मई को लिया जाएगा। और दोस्तों, आपको बता दें कि लॉकडाउन के तीसरे पेज में केंद्र सरकार द्वारा ढील दी गई है। इसके तहत दुकानें खोली गई हैं और 4 मई से देश में कई हिस्सों में दुकानें खुली जहां नियमों में खुला उल्लंघन हुआ, जिसके बाद स्थानीय प्रशासन ने दुकानें बंद करा दी। इसी के साथ अगला अपडेट देख पा रहे होंगे, विदेशों में फंसे 14,800 भारतीयों को वापस लाने में 64 फ्लाइट भेजेगी सरकार। जी हां दोस्तों, देख पा रहे होंगे ये विदेशी लॉकडाउन अमेरिका, कुवैत, फिलीपींस, बांग्लादेश, ब्रिटेन, सऊदी अरब, मलेशिया और संयुक्त अरब अमीरात को भेजी जाएगी। इस प्लान की शुरुआत बुधवार से ही होगी, क्योंकि जो भी लोग विदेश में रह रहे होंगे उन्हें वापस लाया जाएगा, तो बहुत ही अच्छी बात है ये। वही अगला अपडेट देख पा रहे होंगे आप, केजरीवाल सरकार ने शराब के बाद अब पेट्रोल डीजल पर बढ़ाया टैक्स, जाने क्या है रेट। जी दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली के केजरीवाल सरकार ने आम लोगों को एक और झटका दे दिया है। वही शराब पर 70% का कोरोना टैक्स लगाने के बाद अब पेट्रोल डीजल पर भी टैक्स बढ़ा दिया गया है। वही लोगों ने इसके लिए ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे। वही दिल्ली सरकार ने ऑटो फ्यूल पर लगने वाला वेट बढ़ा दिया है। वही केजरीवाल सरकार के फैसले के बाद पेट्रोल की कीमत में 1.67 रुपए प्रति लीटर और डीजल 7.10 रुपए प्रति लीटर की दर से महंगा हो गया है। वही दोस्तों, इसी के साथ अगला अपडेट देख पा रहे होंगे आप। जी हां, कोरोना पर अच्छी खबर, COVID-19 के लिए दवा बनाने में करीब पहुंचा भारत, जाने कैसे। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस से पूरी दुनिया में जूझ रही है, साथ ही अब तक इसका इलाज सामने नहीं आया है। इसके बीच अच्छी खबर भी, भारत ने COVID-19 की दवा बनाने में करीब पहुंचा है। वही हैदराबाद स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल टेक्नोलॉजी ने रेमडेसिविर के लिए टेस्टिंग मटेरियल यानी प्रमुख आरंभिक सामग्री को संश्लेषित कर दिया है, जो कि सक्रिय दवा पर घटक विकसित करने में दिशा में पहला कदम है। वहीं दवा निर्माताओं के लिए प्रौद्योगिक प्रदर्शन की शुरू कर दिया है, ताकि जरूरत पड़ने पर भारत को इसका निर्माण शुरू हो चुके। साथ ही दोस्तों, COVID-19 के इलाज में अब तक रेमडेसिविर को कगार पर बताया जा रहा है, जिसकी मंजूरी अमेरिका ने दी है। और दोस्तों, डाटा के आधार पर अमेरिका में COVID-19 के इलाज के लिए आपातकालीन अनुमति मिल चुकी है। ठीक है, तो दोस्तों, मैं उम्मीद है यह जानकारी अपडेट आप सभी को वीडियो में जानने को मिल गई। वही दोस्तों, आप ELS न्यूज चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या इस पर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को नीचे लाल बटन दिया उस पर क्लिक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बेल आइकन उसको दबा दीजिए। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद भारत, वंदे मातरम, जय किसान, थैंक यू दोस्तों।